हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आप देख सकेंगे शाहवीर जाफरी एंड आयशा बेग, इन लोगों ने स्पाइसी नूडल्स चैलेंज किया था, जिसमें रात 1 बजे के बाद इन लोगों ने ये चैलेंज किया था। आयशा बेग ने कहा था कि जैसे ही रात हो जाती है मुझे भूख लग जाती है, तो इसलिए मैंने शाहवीर को कहा। शाहवीर पहले नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने जैसे ही मेरी वीडियो देखी तो उसने भी नूडल में चैलेंज में हिस्सा लिया। तो आप इस वीडियो में देखिए। These are the noodles. It comes with these base maker. These are flakes. I'm gonna add these. And शाहबेग ने कहा था कि इतना स्पाइस वगैरह तो मैं ज़्यादातर नहीं कही थी, लेकिन कनाडा में इतने स्पाइस होते भी नहीं है। यहाँ के लोग ज़्यादातर स्पाइसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। जितनी पाकिस्तान में लोग स्पाइसी नूडल खाते हैं, इतने यहाँ बाहर ममालिक में लोग नहीं खाते, इसलिए ये गोरे वगैरह होते हैं। और इसके साथ साथ आयशा ने कहा था कि मैं भी ज़्यादा नूडल में स्पाइस वगैरह नहीं डालती, क्योंकि मुझे भी अपनी स्किन का ख्याल होता है। जैसे ही मैं स्पाइस वगैरह नूडल्स में ज़्यादा डाल लेती हूँ तो मेरे मुँह पर पिम्पल्स वगैरह निकलना शुरू हो जाती है, और मैं अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हूँ। और इसके साथ साथ शाहवीर जाफरी ने भी कहा था कि मैं भी इतने ज़्यादा स्पाइसी नूडल वगैरह नहीं खाता, लेकिन आयशा को कहा अगर आपने बनाए हैं तो मैं आपके साथ इस चैलेंज में हिस्सा ले लूँगा। तो उसकी वीडियो तो इसने कंप्लीट अभी तक अपलोड नहीं की। आयशा ने कहा था कि उसकी हम अपलोड करेंगे शाहवीर जाफरी के यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकेंगे कि स्पाइसी नूडल चैलेंज हमने किस तरह किया था। आयशा बेग ने तो सिर्फ उसकी बनाने की रेसिपी वगैरह शेयर की है। इसके साथ साथ आयशा बेग ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह की ट्यूटोरियल वीडियो भी शेयर की है कि स्किन केयर किस तरह करनी चाहिए कैनेडा में। तो उसकी वीडियो भी हम आज रात अपलोड कर लेंगे। आयशा ने कहा था कि यहाँ के पानी और कैनेडा के पानी में बहुत फ़र्क है, और पाकिस्तान का पानी मुझ पर बहुत सूट करता है, और कनाडा के पानी में मैं अभी तक इसे एडजस्ट नहीं कर पाई। तो अब तक के लिए इतना ही। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अब तक के लिए इतना ही। ओके बाय।